जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:33, मार्केट ने निकाल दिया सबका तेल। और परसों मंडे को जब खुलेगा मकर संक्रांति के दिन, सुबह सुबह एक टॉप बना के यहाँ से मार्केट अगले 15 रेस्ट ऑफ द जनवरी में 2500, 2000 से 2500 पॉइंट गिरेगा। इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए पहले हम देखते हैं स्क्रीन को। स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले मैं आपको ONG से दिखाना चाहता हूँ। 11.40 रुपया भागा है, 5.5% भागा है। खुल खुल के आपको बोला था, ये 2 रुपये में कॉल जो दिलाया था, ये वाला चल रहा है आज, सिर्फ 2 दिन पहले दिलाया था 2 रुपये में, 2.30 रुपये उससे कुछ हुए। आज ये हाई बना दिया है करीब करीब 10 रुपये 15 पैसे का। और मेरे जो बहुत ही खास लोग हैं, उनको 5 रुपये में ये दिलाया था 210 वाला कॉल। ये कल या परसों की बात है, जब 209 आया था, आपको मैंने बोला भी था सबको खरीद लो। और डिलीवरी में भी मैंने लोगों को बहुत सारे शेयर बाई कराए इसके। इसका रीज़न भी मैंने समझाया था, वीडियो में भी समझाया था। तो इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। और आज फ्यूचर इसका कहाँ गया हो, जिसे 224 लास्ट ट्रेड हो रहा है, आज का हाई बना है 24.75। कल की प्रीवियस क्लोज थी इसकी 12.75 रुपये। एक ही दिन में 12 रुपये भागा ये शेयर, जो 2-2 रुपये भी भागने में हवा निकलती है एक ही दिन में। सुबह के वीडियो में साफ बोला था ONGC भागेगा, रिलायंस भागेगा। तो ये दोनों एक तो मार्केट को हेल्प कर दिए। ये 2800 जाके रहेगा, उसके बाद इसको टोक देना, ठीक है। ये साला 2430 चल रहा था नवंबर में, आपको दिखाता हूँ। तब मैं आप लोग को बड़ा तेल लगा रहा था इसका, ले लेना दिसंबर जनवरी का। हाँ जी, निफ्टी ने आज, वो भी बताऊंगा, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं सब कुछ ओपनली बोलता। अब रिलायंस देखो सर, ये देखो आप, अक्टूबर लास्ट में ये चल रहा था 2220 रुपया, लास्ट अक्टूबर में। अब नवंबर भी अगर रेट निकालोगे तो नवंबर में चल रहा था ये 2300 रुपया। मैंने सबको बोला था इसके, चलो आप दिसंबर में भी देख लो, तो दिसंबर में भी ये चल रहा था 2398 रुपया। आप वीडियो निकाल के देख लो, बोला था कि नहीं 2700 से 2800 रुपये जाएगा जनवरी तक, खुल के देख लो। और कम से कम 10 वीडियो में बोला होगा इसे, ठीक है। तो देख लो क्या भगाया है। अब ये कल मंडे को एक टॉप बना सकता है, वर्स्ट केस में ट्यूसडे को टॉप बना के गिरना है अब इसको। और गिर के कहाँ आना है इसको, वापस 2050 आना है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 से 3 महीने में। आ जाइए, एक तो मार्केट को इसने बड़ा सहारा दिया। देखिए पिछले पिछले 5 दिन से वाइट 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 वाइट। आज निफ्टी आईटी, अब आप देखो साला, कुछ करके भी आपको इंडेक्स को टिका के रखा है। अब निफ्टी आईटी अकेला, जब आईटी का इंडेक्स ही अगर आज आप देखो तो 5% भागा है निफ्टी आईटी का, इंडेक्स 5% भागा है, तो कौन से शेयर नहीं भागे होंगे। इंफोसिस, TCS, ले ले इंफोसिस, इसीलिए मैंने कल सब सबको साफ लिख दिया था कि 56 रुपये में जो सेफ ट्रेडर्स है वो प्रॉफिट बुक कर ले उस पुट में, फरवरी की 1550 के पुट में। तो जिसने जिसने कर लिया उसे। क्योंकि रिजल्ट कुछ भी आता है। अब देखो सर, यहां एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो इंडेक्स को संभाला गया और कुछ नहीं है। लेकिन आपको इतना चैलेंज के साथ बोलो, ये कोई हवा में बात नहीं चल रही है, फुल्ली चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगले 15 दिन में निफ्टी 1500 से 2000 पॉइंट गिरेगा। 31 जनवरी तक आप इसको 20800 के भी नीचे देखोगे, 20800 के भी नीचे देखोगे 31 जनवरी तक। इतना बड़ा बात बोलना जब 22000 के लगभग में, और मंडे को नया ऑल टाइम हाई बनेगा, और वो मंडे की बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी निफ्टी में, आप नोट कर लीजिएगा। तो
निफ्टी ने, मैंने आपको इसलिए वीडियो बना के भी बोल दिया था कि 834 के ऊपर क्लोज कर रहा। देखिए निफ्टी में हुआ क्या था, बैंक निफ्टी का ताकत नहीं हुआ पिछले, और लास्ट में बैंक निफ्टी आपने देखा एक झटके से 350 पॉइंट तोड़ा था सिर्फ विद इन ए स्पेन ऑफ 10 मिनट्स, आपको दिखाऊंगा वो भी। निफ्टी में देखिए लो भी तोड़ा लेकिन हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो मंडे को एक यहाँ पे कुछ 22,120 तक से लेके 22,150 तक बनाएगा हाई, या 200 भी बन सकता है। यहाँ से बड़ी रेड कैंडल मंडे को बनेगी, नया ऑल टाइम हाई बना के। क्यों आज का हाई बनाया 928, 834 से 100 पॉइंट ऊपर। अब ऐसा भी हो सकता है मंडे को सीधा गैप डाउन खोल दे, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि गैन का अगर आप एनालिसिस देख रहे हो तो फ्राइडे की वीकली हाई भी बना, फ्राइडे को हाई भी बना, लेकिन आपने इस वीक में लो भी तोड़ा है इसको मद्देनजर। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक नया हाई बना के गिरे, लेकिन गिरना नेक्स्ट वीक में बहुत भयंकर है। नेक्स्ट वीक का मिनिमम टारगेट आप लोग लिख सकते हो, नेक्स्ट वीक का 21,150 नेक्स्ट वीक का टारगेट है मेरा। अरे बाप रे, अभी 900 पे बंद किया और ये बोल रहा है 21,150 फ्राइडे तक का। आज ही मंदी देखना आप क्या बोलते हैं, मंदी किसको बोलते हैं आप देखोगे नेक्स्ट वीक। मंडे को आप मत सोचिए कि मंदा खुलेगा, वो तेजी खुलेगा। बैंक निफ्टी देखिए आप किया कि नहीं, पिछले वीक से नीचे बंद, और बिल्कुल भी पिछले वीक की क्लोजिंग थी 48,159, पिछले वीक का हाई था 48,450। आज इसको कितना भी भगा लिया लेकिन ये 47,700 के वहाँ पे क्लोज किया। अब आप देखो इसका आखिरी का कुछ मिनट आपको मजा आएगा देख के। जो वीक होता है वो वीक ही रहता है, जो स्ट्रांग होता है। अब देखो आप यहाँ पे सिर्फ आप 5 मिनट का चार्ट है, 1440 पे बैंक निफ्टी था 47,873, 1440 पे, यानी कि 2:40 पे था 47,873, ये भाव चल रहा था इसका स्पॉट में, ठीक है। तीन बज के 10 मिनट पे इसने लो बना दिया 47,602, 3:10 पे लो बना दिया 47,602, कितने पॉइंट मिले आपको 30 मिनट में। जो चीज वीक होती है उसके बाप को करेक्ट होना पड़ता है। क्यों इसका कारण था, ये वीक क्यों थी, क्योंकि देखिए तो ये 300 पॉइंट आपको 271 पॉइंट सिर्फ 30 मिनट में गिराया, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर। इसका तो हाल बहुत बुरा होगा, नेक्स्ट वीक में 46,000 भी आ जाए तो कोई भरोसा नहीं, 2,000 पॉइंट का भी करेक्शन दे सकता है। मगर मंडे को ये थोड़ा तेजी खुलेगा, ठीक है। तो वीकली बेसिस में ये वीक हुआ, अब डेली बेसिस में देखते क्या हुआ। डेली बेसिस में आप देखो क्लियरली भाई साहब ने चार कंसेक्यूटिव डे बिलो 20 EMA क्लोज किया, बिलो पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज किया, ये पिछले वीक का लो था, ठीक है। चारों दिन इसने 1, 2, 3, 4 चारों दिन पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज किया, आज पहली बार ऊपर क्लोज किया, ठीक है। लेकिन ये जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करे 48 के ऊपर, तब तक ये बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं,
यहाँ तक का कुछ हाई बना के गिरेगा मंडे को 48,000 के आसपास का, और इसकी गिरावट नेक्स्ट वीक में इसको कहाँ तक लेके आएगी ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में पॉसिबल फिगर है 46,800। ये मिनिमम पॉसिबल है, और अगर ब्रेकडाउन एक या दो दिन में आ गया तो और इतना गिरेगा। ठीक है, अब आ जाइए। तो मैंने क्लियर बता दिया आपको मंडे को क्या होगा, एक नया ऑल टाइम हाई खुलेगा 928 का ही है, तो 22,120 या 22,090 ऐसा कुछ जो भी हाई बनेगा। उसके बाद ये भी हो सकता है 22,124 बनाए, क्योंकि 22,01 और 24 को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये हाई बना के गिरे पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रूड में। मैंने क्लियरली बोला था क्रूड में ब्रेकआउट है, तो क्रूड में देखिए आज ब्रेकआउट आ गया, और क्रूड को आप आराम से खरीद के रख लीजिए। अब आपको स्टॉप लॉस और इसका ये बता देता हूँ, आज अभी भी लोगे तो नुकसान नहीं होगा इसमें। क्रूड का चार्ट दिखाता हूँ आपको, क्रूड में देखिए ये सॉलिड ब्रेकआउट है, ये दो बड़ी रेड लाइन को देखिए, ये ब्रेकआउट आ चुका है। अब क्रूड यहाँ से कम यहाँ तक आएगा 6,600 तक आने वाले कुछ दिनों में, और यहाँ RSI में भी एक ब्रेकआउट आया। तो मैंने क्लियर बोला था कल का हाई 6,130 टूटते ही आप लोग बाई कर लीजिएगा, कल का हाई था 6,130, वो टूट भी गया, उसके ऊपर भी निकल गया, क्रूड बहुत बुलिश रहेगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। भयंकर तेज हो गया मार्केट, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, साले बेईमान बैठे पूरे। तुमने दो बार 21,500 को तोड़ा, लेकिन ठीक है क्लोज नहीं किया, वो तो मैंने माना भी था आपको। इन बैंक निफ्टी को तुम आज प्लस में क्यों बंद कर रहे हो? चारों दिन तुमने 20 EMA के नीचे क्लोज किया, चारों दिन तुमने पिछले वीक के लो के नीचे क्लोज किया, तो अगले वीक इसका कपड़ा खोल के धुलाई हो सकता है, मगर 48,000 स्पॉट जा सकता है उसके बाद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है और कुछ नहीं। आपको रात को शायद आज डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट दिखेगी, डाउ फ्यूचर्स देखते हैं हम लोग, सेंटीमेंट हो सकता है मंडे को सीधा गैप डाउन ही खोल दे मार्केट, ये भी पॉसिबल है, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि जो वीकली हाई पे क्लोज किया है और ऑल टाइम डाउ फ्यूचर्स आपके सामने 44 पॉइंट प्लस में, 37,965 पे चल रहा है फ्यूचर्स, 37 पॉइंट प्लस में, ये रात को 37,600 के नीचे दिखेगा, देर रात 1 बजे देखिएगा। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। एक बार ये 38,050 के आसपास भी जाएगा, चलिए काफी हो गया, ये जबरदस्त गेम हुआ है। इसलिए जो चीज में आप श्योर हो खाली उसी में ट्रेड करो कॉल पुट। आप देखो अगर ONGC, अगर मैंने बोला था आपको 13-14 साल का ब्रेकआउट है इसमें, देखिए ONGC का चार्ट दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ONGC क्यों बाई दिया था और क्यों मैंने बोला 208-9 आएगा तब खरीदना इसको। अब यहाँ पे मैं
वीकली चार्ट लगा देता हूँ या मंथली चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इसको, और ये देखो आप, मैंने क्लियरली आपको बताया था ये ब्रेकआउट था, इसीलिए मैंने ONGC को बोला था। ये कहाँ से है, ये कौन से साल की कैंडल है? 1/7/2015 की, 1/7/2015 की। उसके बाद ये हाई तोड़ा और ब्रेकआउट आया, और ये क्लियरली अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हो तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है ये, और इसका मिनिमम टारगेट हो जाएगा 60 60 माइनस 200, 140 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, 1 साल में 340 की रेट आएगी इसमें, 1 साल डिलीवरी वालों के लिए। और अभी आप लोग को इसलिए बोला था, इसको अगर मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट करूं, तो डेली में मैंने क्या बोला था, देखिए मैं अभी हवा में कोई भी कॉल नहीं दे रहा हूं। हाँ, आज बैंक निफ्टी का पुट दिलवाया था तो भी वो भी रिकवरी किया जोरदार, 230 वापस आके दिखाया ऐसे मार्केट में। अब देखो आप, ये था इसका ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। अब आप देखो, ये यहां से ब्रेकआउट होने के बाद यहां तक गया था 221 या 22 तक, ठीक है। आज तो उसको तोड़ दिया, आज तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं क्या बोला था कि ये 210 के आसपास आएगा तब हम खरीदेंगे, क्योंकि मुझे पता था एक बार रीटेस्ट होगा, इतने साल का ब्रेकआउट किया तो एक बार रीटेस्ट होगा और रीटेस्ट के बाद भगाएगा, समझ में आया आपको? ये रीटेस्ट किया 2 दिन यहाँ पे माइनस की कैंडल बना के, देखो आज एक ही दिन में ये और एक नया ब्रेकआउट कर दिया, और ये कैंडल बता रही है कि ये 250 रुपया जल्दी हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जनरली कभी दिखाना तो नहीं चाहिए फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए डिलीवरी में मैं क्या काम करा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कहाँ गया। एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है मेरी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम होता है, यहाँ दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम, खुलने में भी तो बहुत टाइम लगता है। चलिए कभी और, मैंने आज भी सुबह 211 213 रुपये में और बाई करवाया, पहले इनको कल बाई करवाया था 210 रुपया समथिंग में, आज और बाई करवाया, कल 700 शेयर बाई कराया था डिलीवरी में, आज 300 और करवाया, और झूठ कभी बोलता नहीं। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।